नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशी शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे निर्माण ब्रिज नंबर 39 ग्रामोड में मौजूद है और ब्रिज नंबर 39 में मौजूदा समय में काम बंद है क्योंकि यहां के जो मजदूर हैं वो काम छोड़ो हड़ताल पर चले गए हैं। ये तमाम लोग यहां पे हर रोज काम करते हैं लेकिन आज सुबह से ही यहां पर काम नहीं हुआ है। ब्रिज नंबर 39 और इनकी कुछ मांगे हैं। इनका कहना है कि इनके 15 लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है लेकिन उनका जो फाइनल है, जो फाइनल हिसाब किताब है वो नहीं किया जा रहा। इसी मांग को लेकर ये तमाम मजदूर उन 15 लोगों की सपोर्ट में हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज सुबह से ही लगातार काम बंद है। हालांकि आपको बता दें अफगान कंपनी का जो कार्य है यहाँ पर चल रहा है और ये तमाम लोग यहाँ पे कार्य करते हैं, ठेकेदार के जरिए ये लोग लगे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक उनका हिसाब किताब नहीं किया जाता तब तक इनका काम बंद रहेगा। कुछ देर पहले अफगान के कुछ अधिकारियों से भी इनकी बातचीत हुई है लेकिन बात बनती हुई नहीं दिख रही है। इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ स्पष्ट तौर पर इनकी मांगे हैं वो इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं और कहाँ के आप रहने वाले हैं, कितनी देर से यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या स्पष्ट तौर पर आपकी मांगे हैं जिसको लेकर आज सुबह से आपने काम बंद कर दिया। जी, मेरा नाम सुदर्शन लाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी कंथान का रहने वाला हूँ और कितने सालों से मैं इधर 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो हमारी मांगे ये हैं, अभी जो 15 लोगों का पहले थोड़ा स्पष्ट करें क्या काम आपका यहाँ पे रहता है, क्या मैकेनिकल विंग के हैं ये? जहाँ पे काम रहता है सर हमारा वेल्डिंग का, ग्राइंडिंग का, तो बाकी रिगर लोगों का काम रहता है। तो अभी जो हमारे 15 लोगों की फाइनल लिस्ट लगी हुई है तो जे इन्होंने हमें 15 दिन पहले बता दिया था कि आपका फाइनल हो रहा है। तो उन 15 लोगों के साथ हम खड़े हैं। अभी हम खड़े इसलिए हैं क्योंकि अभी ये जो है फाइनल के लिए हमें फाइनल क्या मिलेगा उसके लिए हमने बात की इनसे, हमने पहले भी 3-4 बार बात कर ली है। तो अभी जो बोल रहे हैं कि आपको जो है साल की 5 प्रेजेंट मिलेंगी फाइनल के तौर पे, जबकि फाइनल हमें हमारी बनती है साल की 1 बेसिक बनती है और प्लस हाइट लॉस बनता है और प्लस जे मेडिकल जो है मेडिकल कुछ नहीं देते हैं जे हमें, और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मजदूर के। हाँ, और जैसे 1 साल के बाद मान के चलो एक इंसान को साल हो गया कि वो काम कर रहा है, साल के बाद जब दिवाली आती है दिवाली पे बोनस मिलता है ना, हमें बोनस मिलता है, मतलब किसी चीज़ कुछ भी हमें नहीं मिलता फ़ायदा इससे। तो अभी जो है अभी हमारा जो फाइनल हो रहा है तो अभी भी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कितने लोग हैं कुल, कितने लोग हैं जिनका ये जिनको आप नौकरी से निकाल रहे हैं? अभी जो हैं 15 लोग हैं। 15 लोग हैं। हाँ। इन लोगों में भी शामिल हैं वो 15? हाँ। इन लोगों में सब इन्हीं में शामिल हैं। कहाँ कहाँ से जो मजदूर हैं यहाँ पर काम करते हैं? अलग अलग स्टेट से हैं, कोई पंजाब से है, कोई उड़ीसा से है, कोई यूपी से है, मतलब अलग अलग स्टेट से, हर स्टेट का आदमी। काम आज सुबह से बंद है, ये पीछे जो ब्रिज का काम चल रहा है ये सुबह से? ये सुबह से बंद है जी। जी, आपसे समझना चाहेंगे, इस तरफ आ जाइए आप, क्या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मजदूर के तौर पर आपको इससे पहले की भी अगर बात करें तो क्या नहीं मिलती हैं वो सुविधाएं, और अब जब 15 लोगों को निकाला जा रहा है तो जो उनके जो उन्हें मिलना चाहिए उनका हक वो नहीं मिल रहा है? सर हमें नहीं मिल रहा है, तभी तो हम खड़े हुए हैं इनके साथ, क्योंकि हमारे साथ अनदेखी की जा रही है, क्योंकि वर्कर को धमका देते हैं जो ऑफिसर लोग, जहाँ तो पुलिस बुला लेते हैं तो हमको धमकाया जाता है, तो हमने डर के मारे, मजदूर आदमी है हमें तो काम करना पड़ेगा इनके आगे, हम 1.5 साल 2 साल से काम कर रहे हैं, हमको क्या आज दिन तक इन्होंने मेडिकल भी दिया कुछ? कोई चीज दिया ही नहीं है इन्होंने, तो हम क्या इनसे क्या करेंगे अब? अभी कार्ड बनाए गए हैं तमाम? हाँ, लेबर कार्ड बनाए गए हैं, गेट पास हमारे बने हुए हैं सर, लेकिन यही है कि गेट पास बने, लेबर कार्ड नहीं है, गेट पास बनाए, लेबर कार्ड आपके नहीं बने? नहीं, लेबर कार्ड नहीं बने सर, यानी कि लेबर को जो सुविधाएं उस कार्ड से मिलनी चाहिए वो नहीं 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 बने सर, नहीं बने सर। तो क्या ठेकेदार के जरिए ये तमाम जो लेबर है वो लगी हुई है, तो ठेकेदार से आपने बातचीत करने की कोशिश की, ठेकेदार का क्या कहना था? सर हमने ठेकेदार को आज दिन तक देखा ही नहीं है यहाँ साइड पे, क्योंकि उनको 10% ये सप्लाई पे काम चल रहा है, 10% जो उनको उनके अकाउंट में डाला जाता है, बाकी पेमेंट यही करते हैं, हमें कोई पता नहीं। हमारे दांदली का आरोप आप लगा रहे हैं कि अफगान के मुलाजिम ही जो हैं वही मैनेज कर रहे हैं आप तमाम लोगों को, ठेकेदार का कोई भी रोल इसमें? सुपरवाइजर है ठेकेदार।
की और कोई ठेकेदार तो हमने देखा ही नहीं है सर, हमने आज दिन तक नहीं देखा उसको। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो ठेकेदार मानते हैं कि ठेकेदार नहीं देना, तो ठेकेदार को इन्होंने बुलाना चाहिए, हमने तो देखा ही नहीं है, तो ठेकेदार को तो बुलाना चाहिए ना इन्होंने। सुपरवाइजर है, उससे बातचीत हुई? हाँ, सुपरवाइजर से बातचीत हुई, तो अभी वो गए हैं नीचे, वो आएंगे तो उन्होंने बताया कि हमें आके भाई बता दूंगा। हाँ, हेड ऑफिस में गए हैं कि आएंगे तो बताएंगे सर। एक चीज़ स्पष्ट कर दें, जब हमने इस मार्फत इस मुद्दे को लेकर अफगान के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा सर विरोध जता रहे हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आप कहाँ से हैं और कितने सालों से यहाँ पे? क्योंकि हमारा हेड ऑफिस कलकत्ता में है, दिल्ली में है, तो अफगान के मुलाजिम भी जो है हमारे साथ मतराई माँ वाला विद्रोह कर रहे हैं। डराने का भी प्रयास होता है, पुलिस को बुलाकर डराने की कोशिश होती है, जब कोई आप अपनी वाजिब मांग रखते हैं। आप तेरे ऊपर ये केस डाल के अंदर डाल देंगे, हमारे ऊपर वो कर देंगे, हाँ पंजाब के हम वो डाल देंगे, ये डाल देंगे, हमें कोई डर नहीं है। तो हम ये सोचते हैं हम अमन शांति से बैठे हैं, हमारा जो भी बनता है कंपनी का रूल रेगुलेशन अनुसार, हमें ठेकेदार को देखा नहीं, वो हमारा दिया जाए, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम शांति से भी हमें बैठे नहीं देते थे, प्रशासन को बुला के हम लोगों को तंग किया जाता है, वो अंडरराज कर देता, कोई बोलता है जी हमारे सुपरवाइजर इंजीनियर बोलते जी आपका नाम ही नहीं है ही नहीं, इधर काम नहीं करते। जब हमें इधर का किसी का डेथ हो गया, ऊपर से गिर गया इतनी हाइट से, तो किसके खाते में जाएंगे? कितनी हाइट पे भी काम करना, कितनी ज्यादा हाइट पे काम करना पड़ता? 115 मीटर हाइट पे हमारे भाई लोग बहुत काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो कोई कुछ किसी का सुनता नहीं है। जहाँ तक कि जब सेफ्टी के लिए बोला जाता सेफ्टी वाला भी बोल देता हाँ कोई बात नहीं करो देखा जाएगा। सेफ्टी मेजर्स भी वो जो जरूरी चीजें हैं वो खाली इन लोगों ने एक इशू बना के रखा है कि हाँ 1.5 मीटर के ऊपर सेफ्टी है, हेलमेट लगाओ, सेफ्टी बेल्ट लगाओ। जब 115 मीटर में जाते हैं उधर नेट कहाँ लगा के रखा है? आप भी देख सकते हैं नेट है लगा कहीं, यानी कि आपकी जान के साथ खेला जा रहा है। मर गया तो मक्खी के बरोबर ये बोल लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं देना, सीधी सी बात है। अभी भी हमारे साथ एक साल से बहुत चालें खेली गई है, ये स्टाफ मिला हुआ है ठेकेदारों से, हमें मालूम ही नहीं ठेकेदार कौन है, हमने देखा ही नहीं आज तक ठेकेदार कौन है। और दूसरा काम सैंड ब्लास्टिंग का आ जाता है, कहीं भी जाके देखो सैंड ब्लास्टिंग ओपन नहीं होता, और छोटी छोटी एज के लड़के हैं जो काम पे लगे, उसको कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है अब कोरोना का चक्कर चल रहा है, तो उनके पास कोई सेफ्टी प्रूफ जैकेट ही नहीं है, तो हमारे स्टाफ भी हमारी सेफ्टी भी वही देख रही है कि क्या है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना भी है हमारा सही सलामत हमारा हक दिलाया जाए, ये लोग हमारा डाटा लगाएं इधर लेके कि ये डिमांड हम दे रहे हैं, और जो J&K गवर्नमेंट का रूल है हम उसी के हिसाब से लेंगे, यानी कि जो रूल्स हैं आप उसी के मुताबिक, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं आप? हाँ, ज़्यादा हम मांगते ही नहीं हैं। हमारे जो दिवाली पे काम करते हैं, एक चाय वाली दुकान पे जाता था उसको भी चाय वाला एक डब्बा दे देता है, हमारे जो डब्बे आए अफसरों के घरों में पहुंच के हमारे पास कुछ नहीं गया। तो चलिए मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि तमाम मजदूरों को एक बार तस्वीरों में जरूर दिखा दें, और आपको बता दें कि मिली भगत का भी आरोप लगाया जा रहा है, मिली भगत अफगान के अधिकारियों में और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके जरिए ये तमाम मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है ब्रिज नंबर 39 में, और इनका कहना है कि मिली भगत कर इनको लूटा जा रहा है, इनका जो हक है वो इन्हें नहीं दिया जा रहा है, और 15 जो मजदूर हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, लेकिन छुट्टी होने पर भी उनका जो हिसाब किताब बनता है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन ये तमाम जो ब्रिज नंबर 39 में अफगान कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के जरिए जो मजदूर लगे हैं वो विरोध जता रहे हैं, और सुबह से काम बंद रखा हुआ है। कुछ और गंभीर आरोप भी लगाए, और सेफ्टी जैकेट्स भी नहीं दी जाती है इन्हें, और इसके अलावा कुछ और जो जरूरी सामान है सेफ्टी के मद्देनज़र वो भी इन्हें नहीं दिया जाता है। तो ये जो 6 महीने एक मजदूर को इनका कहना है कि जूता तक नहीं दिया गया है, और ये मजदूरों के आरोप हैं अफगान कंपनी पर, और जो जूते दिए भी गए हैं उससे भी 6 महीने 7 साल के बाद 6 महीने नहीं चलता ये फट गया जूता। तो जूतों की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और कई वर्करों के लिए अलग है, वर्करों के लिए अलग है, वर्कर को जूता वो लेके दिया जाता है जो 100-150 रुपए का आता है, क्योंकि इन लोगों को कमीशन मिलती है, लोअर क्लास का लेके आते हैं, जो हाई का वो अपने पास रखते हैं, बोलते नहीं। तो गंभीर आरोप है, DDC किसी को चेयरमैन वर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, इन लोगों के लिए सब कुछ आता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इतनी ठंडी में काम कर रहे हैं। टी टाइम भी एक प्राइवेट इधर टी स्टॉल बनाया था, वो भी इन लोगों ने भगा दिया।
उन लोगों को कि ले जो इधर हमारे आदमी आके चाय पीते, हम अपने पैसे की चाय पीते हैं। तो ये दुख दर्द है यहाँ काम करने वाले मजदूरों का। और DDC चेयरपर्सन सराफ सिंह नाग ने भी रेलवे कंपनी में चल रही धांधली का मुद्दा उठाया था और ये तमाम मजदूर भी काफी कुछ बयां कर रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन कब जागता है और क्या कुछ सुध ली जाती है इस मुद्दे को लेकर, ये देखना होगा। तो चलिए फिलहाल इस लाइव कवरेज में इतना ही, मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद। Thank you.